देह व्यापार में शामिल होना अपने आप में अपराध नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करना जिससे दूसरों को परेशानी हो उसे अपराध कहा जा सकता है। मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए 34 वर्षीय देह व्यापार से जुड़ी एक महिला को शेल्टर होम से मुक्त करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि इसी साल फरवरी में मुलुंड में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद महिला को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक के चुनाव परिणामों से साबित हो चुका है। पवार आजकल सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मथुरा में शादी समारोह में दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद एक युवक ने अपने दोस्त के सिर में सटाकर गोली मार दी। गोली लगने से दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोस्त मौके से भागने की कोशिश की, मगर लड़की के घर वालों ने युवक को पकड़ लिया। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इरफान सोलंकी की 50 करोड़ की संपत्ति पुलिस जल्द ही सीज करेगी। इसके साथ ही दूसरी बड़ी कार्रवाई इरफान समेत 8 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है। पुलिस अफसरों का एक पैनल इस चार्जशीट की समीक्षा कर रहा है। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए अब रात में भी छापेमारी की जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने अफसरों को उपभोक्ताओं के फोन उठाने की भी नसीहत दी है। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ रही है। निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी छापेमारी की जाएगी। बरेली जिले में भी सभी बैंकों की 417 शाखाओं में 2000 के नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सुव्यवस्थित तरीके से नोट बदले जाएं और ग्राहकों को असुविधा ना हो, इसके लिए कई बैंक शाखाओं में अलग से काउंटर लगाए गए हैं। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक मंगलवार से 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। वाराणसी में आज नौकायन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने सभी नाविकों को निर्देश जारी किए हैं कि लगातार गश्त भी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि तेज हवा और लहरों के कारण ये फैसला लिया गया। वाराणसी में नाविकों को निर्देश दिए गए कि अगले निर्देश तक कोई भी नाव लेकर गंगा में ना उतरे। राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र की पार्टी होने का ठप्पा हटाने का मन बना लिया है। इसके लिए उसने पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार का प्लान बनाया। वहीं निकाय चुनाव में खामियों से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव की रणनीति भी बनाने जा रही है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की 24 मई को अवध क्षेत्र की लखनऊ में बैठक करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करने और ठगने का काम किया है। रामपुर के साफनी क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 3 लोगों को बंधक बनाकर पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही SP मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। हालांकि पूर्व में व्यक्ति ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला और उसकी बेटी का मेडिकल कराया है।